Good morning, students. Today we are going to teach about friendship. Chapter 1, friendship. आज हम लोग friendship के बारे में पढ़ेंगे कि दोस्ती क्या चीज होती है. जो दोस्ती जो होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है, उसका कभी अंत नहीं होता है, यानी कि वो कभी मरती नहीं है. तो फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ होती है जो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. दोस्त हर मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो फ्रेंडशिप है. तो देखते हैं क्या है. अ फ्रेंड लाइक अ फ्लावर अ रोज टू बी ब्लेस्ड और मे बी लाइक अ ब्रांड न्यू गेट दैट नेवर कम्स अनलेस. A friend is like an owl, both beautiful and wise. Or perhaps a friend is like a ghost, whose spirit never dies. A friend is like a heart that goes strong until the end. Where would we be in this world if we did not have a friend. ये हमारी पोयम है जो कि क्या है कि a friend like a flower, जो एक मित्र होता है, जो एक दोस्त होता है, वो एक फ्लावर के समान होता है, यानी कि फूल के समान होता है. जिस तरह से हम लोगों को फूल बहुत पसंद होते हैं, और उस तरह से यानी कि दोस्त भी हमें बहुत पसंद होते हैं. और रोज टू बी एग्जैक्ट या और मे बी लाइक अ ब्रांड अ न्यू गेट, यानी कि एक गुलाब के फूल की तरह होते हैं जो कि हमें बहुत पसंद होते हैं. तो और दोस्त जो होता है वो एक नए गेट के समान होता है जो कि फ्रेंड नेवर कम्स अनलेस्ड, यानी कि जो कि जब दो दोस्तों के बीच में दोस्ती होती है तो उसमें कोई तीसरा नहीं आ पाता है. इस तरह से वो बंद हो जाता है उनकी मित्रता के बीच में, यानी कि कोई भी नहीं आता है. फ्रेंड जो होता है वो एक आउल के समान होता है जो कि दोनों ब्यूटीफुल एंड वाइज, यानी कि सुंदर और बुद्धिमान भी होते हैं. दोस्त एक घोस्ट के समान होता है, यानी कि एक भूत के समान होता है. तो whose spirit never dies, यानी कि जिसकी आत्मा, जिस प्रकार से भूत हमें कभी मरता नहीं है, उसी तरह से उसकी उसकी आत्मा, यानी कि जो फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, वो भी कभी नहीं मरती है. जिस तरह से भूत की आत्मा कभी नहीं मरती, उस तरह से दोस्ती जो है कभी मरती नहीं है, अमर रहती है. अ फ्रेंड लाइक अ हार्ट दैट गोज, है ना, जैसे कि हार्ट यानी कि जो दिल होता है मनुष्य के एक बॉडी में, जो दिल होता है वो जीवन भर कार्य करता रहता है, और वो जब बंद होता है जब मनुष्य की मृत्यु होती है. तो उसी तरह से जो दोस्ती होती है वो जीवन भर चलती रहती है, उसका कभी अंत नहीं होता है. जब मनुष्य का अंत होता है तब उसकी दोस्ती का अंत होता है, वरना वो पूरी लाइफ चलती रहती है. स्ट्रॉन्ग यानी कि बिल्कुल जिस तरह से बहुत ही मजबूत होता है, जिस तरह से दिल होता है, दिल जो है बहुत ही स्ट्रांगली अपने उसकी बॉडी में काम करता रहता है, उसी तरह से जो दोस्ती होती है वो पूरी मजबूती के साथ पूरे जीवन भर चलती रहती है. देयर वुड बी इन दिस वर्ल्ड, यानी कि हम इस संसार में कहीं भी चले जाएं, ठीक है, अगर हम इस संसार में कहीं भी चले जाएं और अगर दोस्त नहीं है तो हम क्या है, अकेले ही रहेंगे कहीं भी चले जाएं. तो हमारे लिए जो मित्र है, हमारी जो लाइफ है, उसमें दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर करते हैं, उनको बहुत, वो हमेशा, वो हमारे लिए बहुत ही काम भी आते हैं, हम एक दूसरे के काम भी आते हैं. तो इसलिए हमारे लिए फ्रेंडशिप जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. तो यहाँ पे पॉइंट में फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक फ्लावर की तरह होता है, एक आउल की तरह होता है, यानी एक घोस्ट की तरह होता है और एक हार्ट की तरह होता है ना. जैसे कि घोस्ट जो होता है उसकी कभी आत्मा मरती नहीं है, वो हमेशा जिंदा ही रहता है, भूत जो होता है, उसी तरह से दोस्ती भी का भी कभी अंत नहीं होता है. और हार्ट, हार्ट यानी कि जो दिल होता है वो एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो हमेशा चलता रहता है. कब बंद होता है, जब मनुष्य का अंत होता है. उसी तरह से दोस्ती पूरी लाइफ चलती रहती है, यानी कि जीवन भर चलती रहती है, उसका कभी
अंत नहीं होता है। तो ये हमारी पोयम थी फ्रेंडशिप। तो इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने अंडरलाइन किए हैं। फ्रेंड मीन्स मित्र, फ्लावर मीन्स फूल, अनलेस मीन्स खुलना, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वाइज मीन्स बुद्धिमान, घोस्ट मीन्स भूत, स्पिरिट मीन्स आत्मा, हार्ट मीन्स दिल, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वर्ड मीन्स संसार। ओके, तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड थे जो यहाँ पे अंडरलाइन है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।